नमस्कार दोस्तों, मैं राम शर्मा मैथ पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मोस्ट क्वेश्चंस, और वो भी पाइप और टंकी के। दोस्तों, आज हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे पाइप और टंकी को, उन क्वेश्चनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे जिन क्वेश्चनों को हमें करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उन क्वेश्चनों को हमें बहुत आसानी से समझना है, बहुत तरीके से समझना है, और उन क्वेश्चनों की मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, मुझे कमेंट्स में बताया था कि सर आप थोड़ा स्लो पढ़ाते हो, तो दोस्तों मुझे जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जो कनेक्टेड हैं, मैं उन सभी स्टूडेंट्सों को साथ में लेकर चलता हूं। तो दोस्तों, आपको अगर ऐसा लगे कि मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूं, तो आप अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाइएगा, ताकि आपको टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको वास्तविकता में लगे कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वास्तविकता में कहीं ना कहीं इफेक्टेबल है और की तुलना में। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं पाइप और टंकी का पार्ट नंबर टू। और पार्ट नंबर टू में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने टाइमिंग वर्क आपको कराया था उसमें क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, सेम उसी पैटर्न पे पाइप और टंकी है। और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये है, दो पाइप हैं पी और क्यू, पी और क्यू किसी टंकी को क्रमशः 12 व 15 आवर में भरते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखना है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए लेकिन तीन मिनट बाद ये मिनट कर लीजिएगा, 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है तो क्यू को कितना समय लगेगा। देखिएगा दोस्तों, इन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे देखो, तुमसे कह रहा था कि पी कोई पाइप था, वो किसी टंकी को 12 मिनट में भर रहा था, क्यू कोई पाइप था, वो किसी टंकी को 15 मिनट में भर रहा था। समझ में आया दोस्तों? जैसे मान लीजिएगा, ये कोई टंकी थी, यहां तक ये टंकी थी, ये इतनी बड़ी टंकी थी, इसको अगर पी चले तो 12 मिनट में, क्यू चले तो 15 मिनट में भर देता है। दोनों ने इस टंकी को भरने का ठेका लिया, लेकिन हुआ क्या कि 3 मिनट बाद, मतलब यहां तक पी और क्यू इस टंकी को चल रहे थे, ये दोनों नल चल रहे थे, ये नल कौन सा है पी, ये नल कौन सा है क्यू, तो पी और क्यू जो नल थे वो 3 मिनट तक चले। पहले तो हमें ये देखना है कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है, इनका एलसीएम कितना है। तो मुझे पता चला कितना है, 60। इसका मतलब है इस टंकी में 60 लीटर पानी आ सकता है। तो हम गए तो पी और क्यू 3 मिनट के लिए चले, और 3 मिनट चलने के बाद पी चला गया, या पी को बंद कर दिया गया, तो पी चला गया, तो बचा कौन होगा, क्यू। भाई 3 मिनट तक चले, अगर ये 1 मिनट में पी चलेगा तो 5 लीटर पानी, 1 मिनट में क्यू चलेगा तो 4 लीटर पानी। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर ये दोनों 3 मिनट चले होंगे तो 5 और 4 9, 1 मिनट में 9 लीटर पानी भरेंगे, तो 3 मिनट में कितने लीटर पानी भर देंगे, 27 लीटर। भरना कितना था, 60, भर कितना दिया, 27, तो कितना रह गया दोस्तों तुम्हारे पास रह गया 33 रह गया था। अब इसको क्या कह रहा है कि ये किससे भरवाना है, क्यू से, और क्यू 1 मिनट में कितने भरता है, 4 लीटर, तो भाई क्यू से हमें भरवाना है कितना, 33 लीटर। तो ये कितने में भर देगा, 33/4, ये हो जाएगा 8/1/4 मिनट में शेष पानी को भर देगा। अगर टोटल टाइम पूछे तो 3 मिनट ये, और 8/1/4 मिनट इसको जोड़ दिया जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार के ही क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आप बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सके। जैसे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो पाइप थे, और दो पाइप कौन कौन से हैं, दो पाइप
ए और बी कौन कौन से भैया, ए और बी किसी टैंक को 36 मिनट व 45 मिनट में भरते हैं। एक तीसरा पाइप इसे 30 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, पहले बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। पहले ए और बी पाइपों को खोला जाता है। कौन कौन से पाइपों को, ए और बी को। 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है। तो टैंक कितने समय में भरेगा, ये पूछना था। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और हमें देखना दोस्तों, ए ने कितनी देर में भरा होगा, 36 मिनट में। बी ने कितने टाइम में भरा होगा, 45 मिनट में। और सी इसे पूरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। तो मैंने माइनस लगा दिया। और माइनस क्यों आया है कि जब कोई खाली करेगा तो उसके सामने मैं क्या प्रदर्शित कर दूंगा, क्या लिख दूंगा, माइनस। तो हमें वही काम करना है। इनका मैंने एलसीएम लिया तो मुझे पता चला कि 180 आ गया। इसका मतलब है उस टैंक की जो क्षमता है वो 180 लीटर है। मैंने इसका एक दिन का काम निकाला, एक मिनट में कितने लीटर भरेगा, ये एक मिनट में कितना खाली करेगा। तो मैंने जब भाग दिया, इसका मतलब ये तो 5 लीटर भरेगा, ये 4 लीटर भरेगा और ये 6 लीटर पानी खाली करेगा एक मिनट में। मतलब ये निकल के आ गई है इनकी कार्य क्षमता। ए की कितनी है, 5, बी की कितनी है, 4, सी की कितनी है, -6। -6 का मतलब है कि ये टंकी को खाली करने वाला नल है। मैं तुमसे कह रहा था और ये क्वेश्चन भी कह रहा है, पहले ए और बी पाइपों को खोला जाता है। ए कहाँ है, ये रहा, बी कहाँ है, ये रहा। लेकिन 7 मिनट बाद, तो 7 मिनट तो दोनों चले होंगे। जब ये 7 मिनट दोनों चले होंगे तो हमने देखा कि ये 7 मिनट दोनों चल लिए तो 7 मिनट में कितना पानी भर दिया होगा। भाई 1 मिनट में अगर ये दोनों नल चले तो 9 लीटर पानी भरते हैं। और अगर ये इसी हिसाब से 7 मिनट बाद, तो सी भी खोला गया है लेकिन 7 मिनट तक तो ये दोनों चले, इसका मतलब है इन्होंने 63 लीटर पानी भर दिया। टोटल पानी कितना था, 180। 180 में से कितना भर दिया, 63। तो अब शेष कितना बचा होगा, भाई शेष बचा 180 में से 63 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना बच जाएगा, 7। कितना बच जाएगा, 1। और ये कितना हो जाएगा, 1, 1, 7। अब ये जो पानी बचा हुआ है अब इसको कौन भरेगा, अभी तक तो ये चल रहे थे लेकिन अब सी को भी खोल दिया गया। मतलब अब ये तीनों नल चलेंगे, तीनों कौन कौन, ए बी सी। अगर ये नल चलेंगे ए बी और सी को माइनस खाली कर रहा है, चलेंगे तो देखना कितना लीटर पानी भरेगा, 9 भरेगा, 6 खाली हो जाएगा तो 3 लीटर ही भरेगा। और हमें अब कितना भरवाना है, 117। तो ये कितने टाइम में भर देंगे दोस्तों, बताना मुझे, 117/3 तो ये कितना हो जाएगा, 39 मिनट में इस टैंक को आसानी से भर देंगे। आइए अब कुछ अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन बारी बारी वाले, मतलब एकांतर क्रम वाले। मतलब ये हुआ कि एक दिन एक करेगा काम और दूसरे दिन कोई दूसरा आदमी काम करेगा। तुमसे कह रहा था दो पाइप किसी टैंकी को क्रम से है, दो पाइप किसी टंकी को क्रम से 4 व 6 आवर में भर सकते हैं। कितने, 4 व 6 आवर में भर सकते हैं। वे दोनों पाइप बारी बारी, बारी बारी का मतलब है एकांतर क्रम से चलते हैं। मतलब एक दिन एक काम करता है, दूसरे दिन दूसरा काम करता है। जबकि ए
पर पहले खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी। आइएगा देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। हमने टाइम एंड वर्क में बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चनों को सीखा था। जैसे ए पाइप ए था, ये 4 घंटे में भर रहा था। दूसरा पाइप बी था, वो इन्हें कितने घंटे में भर रहा था? 6 घंटे में भर रहा था। अब देखना हमें लेना है टोटल टंकी की क्षमता कितनी है। 12 लीटर की आ गई, इनका एलसीएम आ गया। 1 घंटे में ये 3 लीटर पानी भरेगा, 1 घंटे में ये 2 लीटर पानी भरेगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ए पाइप पहले खोला जाता है, मतलब ए का नंबर आएगा, उसके बाद किसका नंबर आएगा? बी का। पानी कितना भरना है? 12 लीटर। फिर कौन आएगा? ए। फिर कौन आएगा? बी। कब तक कार्यक्रम चलेगा इनका? ये तब तक चलेगा जब तक कि 12 लीटर पानी टंकी में नहीं भर जाता, तब तक। अब देखिएगा ए भरेगा तो 3 लीटर भर दिया एक दिन काम करके, चला गया। फिर कौन आया? बी। फिर कौन आया? ए। फिर कौन आया? बी। फिर कौन आएगा? ए। देखना काम कितना हो गया, कितने लीटर पानी हो गया? 10। अब एक भरता है एक दिन में 3, लेकिन अब लीटर पानी कितना बचा है? 2। मतलब 2 हिस्सा भरना है, भरता कितना है? 3। तो कितने दिन लगे टोटल? 1, 2, 3, 4। तो मैं कह दूंगा 4 सही 2/3 आवर में ये इस टंकी को पूरी तरह से भर देंगे। क्वेश्चन ये है दिमाग में कि सर ए ने ही स्टार्ट क्यों किया? क्वेश्चन में देगा अगर कार्य को ए आरंभ करेगा तो एक पहले लिखा जाएगा, अगर बी आरंभ करेगा तो कार्य को बी लिखा जाएगा। अब देखते हैं कुछ और बढ़िया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है, उन क्वेश्चनों के बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। जैसे ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार नहीं बहुत बार पूछा जा चुका है और मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है 3 पाइप A, B, C किसी टैंक को 6 आवर में भरते हैं, 6 आवर में भरते हैं। 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, समझना है, लैंग्वेज थोड़ी अच्छी है, क्योंकि आप बुक्स में देखोगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को तो आपको बहुत बड़ा सॉल्यूशन मिलने वाला है। ए तथा बी बाद के 7 घंटे में पूरा भरते हैं। समझना है क्वेश्चन को, भरते हैं तो हौज या टंकी या टैंक को भरने में सी कितना समय लेगा, ये क्वेश्चन हमें देखना है और करना भी है। अच्छा, एक बात भी हुई है इस क्वेश्चन में कि अगर ए बी और सी अगर इस टैंक को भर रहे हैं 6 घंटे में, समझने वाला क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन वो कह रहा है कि ये 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया गया। मींस ये हुआ कि अगर ये 2 घंटे में कुछ ना कुछ तो भरा होगा, लेकिन अगर ये 4 घंटे और चल जाते, तीनों नल, कौन कौन से नल? ए बी और सी, ये समझ में आ रहा है। अगर ये 4 घंटे और चल जाते तो भाई टाइम दिया हुआ है, 4 आवर और चल जाते तो ये टैंक जो था वो पूरी तरह से भर जाता। क्यों? क्योंकि ये तीनों इसको 6 घंटे में भर रहे थे, तो 2 घंटे तक तो एक साथ काम किया, तो 4 घंटे और चल जाते उसके बाद क्या होता? चल जाते तो ये जो टैंक है ना उसके बाद, एवं ए तथा बी बाद में 7 घंटे में भर देते हैं,
ए और बी अकेले चले तो इसको कितने घंटे में भर देते हैं, 7 घंटे में भर देते हैं। भाई ये टाइम आ गया, ये यहां से टाइम आ गया, मतलब मुझे ये पता चला अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है तो उल्टा होता है, अपोजिट होता है, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, और मुझे यहां से आसानी से क्वेश्चन पता भी चल गया। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 7, तो सी की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहां से कितनी आ गई, 3, कितनी आ गई, 3। अब तुमसे वो कह रहा था अगर ये टोटल काम करते हैं एफिशिएंसी कितनी है, 7, और ये कितनी देर में कर देते हैं, 6 घंटे में, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल अगर हमें वर्क निकालना है तो मैंने क्या बताया था, एफिशिएंसी कितनी है, 7, कितने घंटे में भर देते हैं, 6, और अब ये किससे भरवाना है बोलिएगा, सी से, 1 मिनट में कितना, 3, तो भैया ये 42 लीटर भरवाना था तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 14, तो मैं कह सकता हूं कि इस टंकी को या इस हौज को जो पाइप सी है वो 14 घंटे में आसानी से भर देगा। मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी कितनी देर काम, ये 4 कहां से आया भाई, 6 घंटे में भर देते, 2 घंटे काम कर लिया, मैंने माना कि ये अगर 2 घंटे काम करने के बाद जाते ही नहीं तो 4 घंटे और लगते इनको भरने में, 4 घंटे में भर देते, लेकिन ये अकेले ही दोनों 7 घंटे में भर रहे हैं, टाइम है, एफिशिएंसी का रेशियो उनका अपोजिट होता है, इसका मतलब ये टोटल वर्क कहां से आया भाई, एफिशिएंसी 7 काम करते हैं तीनों मिलकर के, एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 है, 7 लीटर पानी भरते हैं, 6 घंटे में भर देते हैं, 1 घंटे में 7 भरेंगे तो इसका मतलब 42 लीटर पानी भर देंगे, और 42 लीटर भरेंगे इसका मतलब इस टैंक की जो क्षमता है वो कितनी आ जाएगी, 42, और ये अब किससे करवाना है काम, सी से, तो कितना आ जाएगा, 14 आवर्स। देखा हमने कितनी आसानी से इन क्वेश्चनों को हमने बारी बारी से किया, और बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो, तो दोस्तों लाइक करते चले, शेयर करते चले, और अपने फ्रेंड्स को जोड़ते चले अपने साथ। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कई बार पूछा गया। अब मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको वो सिर्फ पूछे गए क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो कृपया करके इनको बड़े आसानी से समझें। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, एक लड़का और लड़की के साथ कौन आ गई, एक लड़का और एक लड़की साथ मिलकर किसी टंकी को भरते हैं। दोनों ने प्लान बनाया कि भाई 7 काम करेंगे, साथ भर दिया, अब दोनों भरते हैं। लड़का थोड़ा फास्ट था, लड़के ने क्या किया, जो लड़का है वो 4 लीटर पानी 3 मिनट में भरता है। लड़की बेचारी थोड़ी थकी हुई थी, तो लड़की क्या करती है, और लड़की जो है वो 3 लीटर पानी 4 मिनट में भरती है। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, काम आसानी से चल रहा था। कितने समय में, अब ये कह रहा है कितने समय में 100 लीटर पानी टैंक में भर देंगे दोनों मिलकर के। अब देखना है इस क्वेश्चन को, दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को लैंग्वेज थोड़ी ऐसी लग रही होगी कि कितना टफ है, लेकिन क्वेश्चन कितना सरल है वो मैं आपको बताता हूं। बॉयज काम कर रहा था भाई 4 लीटर पानी 3 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा भैया, 3/4 लीटर, और भैया गर्ल्स जो काम कर रही थी वो साहब 3 लीटर 4 मिनट में, तो 1 लीटर कितने में भर दिया होगा, 4/3 लीटर इतने में भर दिया होगा। अब समस्या हमको ये आती है, मैंने कल भी बताया था, कभी भी अंश और हर दोनों वाली संख्या आ जाए तो हमें हर से कोई लेना देना नहीं होता है, हमें ऊपर वाली संख्याओं से लेना देना होता है। अब निकाल ली हमें टोटल क्षमता, तो हमें एलसीएम लेना है, 3 और 4 का कितना आ गया, 12 लीटर, इसका मतलब वो टंकी कितने क्षमता है उसकी, 12 लीटर की। अब देखना 12, इसका अगर मुझे 1 दिन का 1 मिनट का काम निकालना है, 12 में भाग दूंगा 3/4 का, कितना आ जाएगा भैया, यहां से जाएगा तो 16,
यहां से कितना आ जाएगा 9। इसका मतलब है एक मिनट में बॉय जो काम कर रहे थे वो 16 लीटर और गर्ल्स जो कर रही थी कितने लीटर काम कर रही थी, 9 लीटर पानी को भर रही थी। अगर ये दोनों कितने समय में 100 लीटर पानी टैंक में भर देंगे, अगर ये दोनों काम करें, दोनों कौन कौन भैया भाई 16 लोग कितना हो गया 25, दोनों कौन कौन बॉयज एंड गर्ल्स, कितना लीटर पानी भरवाना है। वैसे तो टैंक की क्षमता कितनी है 12 है, तो कितने समय में भर देंगे भैया, बी प्लस जी बराबर के 12 / 25, लेकिन हमें कितना भरवाना है 100, और 25 से 4 बार और 4 का जब मल्टीपल 12 में किया इसका मतलब है 48 मिनट में अगर ये दोनों साथ काम करें तो इस टैंक को पूरी तरह से भर देंगे। मुझे आशा है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइएगा देखते हैं आगे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और कई बार पूछ भी लिया जाता है। मैं अब जो क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक नल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है समझना है, एक नल, थोड़े से टफ जरूर क्वेश्चन है इसके बाद लेकिन अच्छे हैं, लेवल के क्वेश्चन है, से एक बूंद प्रति सेकंड की दर से गिरती है, मतलब एक सेकंड में एक बूंद, 600 बूंदें मिलकर कितनी, 600 बूंदें मिलकर 100 मिलीलीटर पानी बनाती है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है समझना है, बनाती है 300 दिन में कितने लीटर पानी बेकार गया, मतलब वेस्ट गया, ये क्वेश्चन हमें समझना है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक सेकंड जैसी होगी तो एक बूंद चली जाएगी, ये चली गई एक सेकंड में एक बूंद, समझना एक बूंद प्रति सेकंड, ठीक है भैया। अब वो कह रहा है 300 दिन में कितने लीटर पानी वेस्ट जाएगा, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, भाई हमें ये पता होना चाहिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं, यहां लिख देता हूं, और एक आवर में कितनी मिनट होती है 60 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 ही सेकंड होती है। ये काम हो गया था एक दिन का, लेकिन ये काम ऐसे ही कितने दिन चला होगा 300 दिन चला होगा, कितने दिन चला होगा 300 दिन। तो हमने देखा, अब हमें देखना है बर्बाद हुए पानी की लीटरों में संख्या। अब देखना दोस्तों भाई ये क्या कह रहा था, आगे पढ़ो क्वेश्चन को, 600 बूंदें मिलकर के 100 मिलीलीटर पानी बनाती हैं, भाई हमें तो एक बूंद का निकाला था। अब देखना यहां से 24 × 60 × 60 × मैंने कर दिया 300, अब देखिएगा 600 बूंदें मिलकर के 100 मिलीलीटर पानी बनाती हैं, मतलब ऐसी 100 मिलीलीटर पानी बनाएंगे अगर एक कितनी मिल जाए ऐसी बूंद, 600 बूंद अगर मिल जाए, मतलब ये आ गया एक बूंद की संख्या, मतलब इनसे कितना पानी वेस्ट होगा, मिलीलीटर में आएगा ये मामला पूरा। देखना 1020 से 20 यहां से कट हो गई और यहां से आ गया और यहां से मुझे पता चल गया ये आ गया 300 × 100 और ये क्या आ गया एम है मिलीलीटर, और मुझसे पूछा है कितने लीटर, और मुझे पता है जो मिलीलीटर को अगर मैं लीटर में चेंज करूंगा तो कितने से भाग देना पड़ेगा 1000, इसका मतलब 3 जीरो से यहाँ कट हो जाएंगी और मैं यहाँ से कह दूंगा कि जो पानी वेस्ट होगा वो होगा 4320 लीटर, इसका मतलब
इस क्वेश्चन को हमने बहुत बारीकी से समझा, दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। मैं बात कर रहा था 300 दिन की, एक दिन में कितने आवर, 60, 60 एक आवर्स में कितनी मिनट, 60 एक मिनट में कितने सेकंड। भाई ये तो टफ, जब बूंद गिरेगी तो हमें ये थोड़ी पता चलेगा कौन से सेकंड में गिरेगी, हमें तो ये देखना है कि 24 आवर्स में 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में कितनी सेकंड, 60, तो ये टोटल टाइम कितना हुआ होगा, इतना हो गया। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे मैंने 600 का भाग क्यों दिया, भाई एक बूंद का निकालना था, 600 बूंदे मिलकर 100 मिलीलीटर, तो एक का कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, तो मैंने यहां से निकाल दिया 4320 लीटर पानी बेकार चला जाएगा अगर एक बूंद प्रति सेकंड की दर से गिरे, और वो कितने दिनों तक गिरे लगातार, 300 दिनों के लिए। अब देखते हैं दोस्तों आगे और क्वेश्चन, देखिएगा इन क्वेश्चनों को हमें बड़े ध्यान से क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा तेज है, ठीक है। यदि दोनों पाइप एक साथ मिलकर किसी टैंक को, यदि दोनों पाइप मिलकर किसी टैंक को 36 मिनट में भर देते हैं या भरते हैं, तो धीमी, आया हुआ क्वेश्चन है, धीमी गति वाला पाइप टैंक को कितने समय में भरेगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए और बी दो पाइप काम कर रहे थे, समझ लो दोस्तों, किसी टैंक को भरने में दूसरे की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा तेज है, और मैंने बताया था जो कार्य क्षमता होती है वो समय के विपरीत होती है, जो जितना तेज होगा, जिसकी क्षमता जितनी अधिक होगी, उसको कार्य करने में उतना ही कम समय लगेगा। मतलब जब ये एक काम करता होगा तो ये 3 काम कर लेता होगा, तो वो कह रहा था 3 गुना कुशल है या 3 ज्यादा या 3 गुना ज्यादा तेज है, लेकिन वो कह क्या रहा है कि अगर ये दोनों मिलकर काम करें, भाई अगर हमें दोनों से काम करवाना है, इसका मतलब 1 लीटर ये भरेगा और 3 लीटर ये भरेगा, तो कितने लीटर पानी भरेंगे, 4 लीटर। अगर ये दोनों काम करते हैं, 1 मिनट में कितने लीटर भर देंगे, 4। अगर मुझे टोटल क्षमता निकालनी है, टोटल निकालना है, तो भाई 1 मिनट में कितने भर रहे हैं, 4। ऐसे ही अगर ये 36 मिनट तक चले तो भाई पूरा टैंक भर जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भैया यहां से 144, मतलब इस टैंक की जो क्षमता है वो 144 लीटर की हो गई, 144 लीटर की हो गई। लेकिन वो कह रहा है धीमी गति वाला पाइप, तो धीमी गति वाला बताइए ए है कि बी है, भाई ये तो 1 लीटर ही भर रहा था, धीमी गति वाला कौन सा है, बी, तो 1 मिनट में भरवाना है, भाई 144 लीटर भरवाना है, 1 मिनट में कितना, ए, तो ये कितने मिनट में भर देगा भैया, 144 मिनट, या फिर आप कह सकते हो 2 घंटे 24 मिनट। इन क्वेश्चनों को हमें इस प्रकार से करना है। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको पता नहीं किस किस तरीके से करने की कोशिश करते हैं, वो तरीका हमें नहीं लगाना इसको सीखने के बाद। देखिएगा अब वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन हमें टाइम नहीं लेना है, उन क्वेश्चनों को हमें बड़ी आसानी से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, किसी टैंक का 3/4 भाग, बहुत पता नहीं एक्स मानता है कोई वाई मानता है, भाग पानी से भरा हुआ है, 3/4 भाग, ठीक है ना, उसमें 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए
निकाल दिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है, तो टंकी की धारिता, और धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, क्षमता का मतलब होता है कि वो टंकी कितनी बड़ी है। बस अच्छा सा क्वेश्चन है। एक बात देखिएगा दोस्तों, ये लिखा हुआ है, यहां से लिखा हुआ है 3/4 भरा हुआ है, मतलब जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो होता है टोटल। ये क्या बोल देते हैं इसको दोस्तों, होता भी है टोटल। होता क्यों है, जैसे मैंने तुमसे बोला कि 2/5 है भाई, टोटल कितना है 5 और कितना हिस्सा है 2/2 आना चाहिए। अगर मैं 5 का 2/5 निकालूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा भैया, 2। तो मैं कह दूंगा कि इसमें से जो हिस्सा है वो 2 है और टोटल कितना है 5। अब वो क्या कह रहा था, टोटल इतना है और ये 3 क्या है, ये भरा हुआ है भाई उसके हिसाब से। तो मैं यहां से एक बात लिख दूं कि ये जो टोटल है वो तो है 4 और जो भरा हुआ है किससे, पानी से, क्या हुआ है भरा हुआ है, वो कितना हिस्सा है 3। लेकिन वो कह रहा था कि अगर उसमें से भाई हम पानी किसमें से निकालेंगे, जिसमें से भरा हुआ होगा, 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो इस 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, इससे कितना गुना है 10 गुना। अब टोटल कितना है 4, इसको भी 10 गुना कर दीजिए, इसका मतलब है टोटल जो क्षमता है वो कितने लीटर की हो जाएगी टंकी, 40 लीटर की। आइएगा देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में और इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से। दोस्तों बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए एडवांस की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं और एडवांस की क्लासों में आप देखिएगा आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा उन क्वेश्चनों को सीखने में। देखिएगा एक पाइप, एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर सकता है। दूसरा पाइप जिसका व्यास, जिसका व्यास पहले पाइप से, पहले पाइप से 2 गुना है, समझना है क्वेश्चन। टैंक को खाली करने के लिए जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, दोनों पाइप एक साथ टैंक को कितने समय में खाली करेंगे, ये क्वेश्चन हमें देखना है और इस क्वेश्चन को समझना है। देखना दोस्तों कभी भी ध्यान रखना, एक जो पाइप होता है वो हमेशा एक बेलन का काम करता है। मतलब मैं आपसे कह दूं ये जो डायमीटर दिए हुए थे, डायमीटर का मतलब होता है व्यास, मतलब पहले का दुगना है, तो ये कह दिया जाएगा यहां से अगर मैं इसको 1 मान लेता हूं और ये कितना मान लेता हूं 2, भाई ये डायमीटर था। और तुमसे कह रहा है भाई हमें तो रेडियस से मतलब है, हम क्या कहते हैं, और मैं आपको बता दूं जितना डायमीटर का वो होता है रेशियो होता है, उनका भी त्रिज्याओं का रेशियो भी वही होता है। ये मैं आपको बताऊंगा जिस दिन मैं आपको मेंसुरेशन कराऊंगा, उसमें इन चीजों को बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा। जैसे ये भी देख लेते हैं भाई, डायमीटर रेडियस निकालनी है अगर आपको, तो आपको हाफ करना पड़ेगा, यहां भी हाफ करना पड़ेगा, तो भाई यहां से ये कितना हो जाएगा, यहां से 1/2 और यहां से कितना हो जाएगा 1 और इसको इधर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 1:2। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं, डायरेक्ट में यहां से ये लिख सकता हूं कि इनकी जो रेशियो है R1 और जो R2 है वो कितना है, इसका 1 है और इसका कितना दिया हुआ है 2। अगर दोस्तों मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर।
इसका भी क्या होगा पाई आर, एच भी होता है, एच कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से मैं कह सकता हूं इनके जो एरिया का रेशियो है वो 1:4 क्या हो जाएगा, 4। मतलब ये एक काम करेगा, ये कितना कर देगा, 4, और ये निकल के आ गया तुम्हारा टाइम एफिशिएंसी जो रेशियो निकल के आया है 1:4। अगर मुझे टाइम का रेशियो निकालना है तो कितना आ जाएगा, 4:1। और तुमसे कह क्या रहा था, वो तुमसे कह रहा था दोनों पाइप एक साथ टैंक को कितने समय में खाली करेंगे, दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप से 2 गुना है। तो मैं एफिशिएंसी के साथ ये देख लूं कि वास्तविकता में अगर देखा जाए तो इस टैंक की क्षमता कितनी है, कितने मिनट में खाली कर रहा है, 40 मिनट में, 1 किधर से चल रहा था, इसका मतलब है टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी भैया, 40 लीटर। लेकिन अभी ये जो 40 लीटर भरा हुआ है टंकी में, ये हमें दोनों पाइपों से खाली करवाना है। और दोनों पाइप कौन कौन से, ए और बी, पहला पाइप ये, दूसरा पाइप ये, एक काम करता है, एक कितने करता है, 4, टोटल कितने काम होंगे, 5। इसका मतलब है इस टैंक को ये कितने समय में खाली कर देंगे, 8 मिनट में। उत्तर बहुत सी जगह आप देखोगे, आप करोगे, ऑप्शन में 10 भी होगा, लेकिन वो आपका आंसर क्या होगा, गलत। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 8 मिनट। मैं आपको दोबारा इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। और क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे, क्वेश्चन ये कह रहा है R1 R2 का रेशियो निकाल दिया, एरिया निकाला, एरिया के हिसाब भाई पाइप कितना चौड़ा है उसके हिसाब से ही पानी का निकास देखा जाता है। तो यहां से हमने देखा एक भाई पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसका मतलब है कि पहले वाले पाइप की जो जो रेशियो है, एरिया है, वो 1 आ गया, दूसरे वाले का कितना आ गया, 4। मतलब ये 1 लीटर पानी खाली करेगा और दूसरे वाला कितना करेगा, 4 लीटर। लेकिन हमें ये टाइम निकालना है, कार्य क्षमता का उल्टा होता है समय, तो ये 4 इसका और 1 किसका हो जाएगा, इसका। और मुझे निकालना है टोटल क्षमता कितनी है, मतलब वो टैंक जो है वो कितने लीटर का है। तो भाई बहुत से स्टूडेंट ये भी तो कह सकते थे, सर 4 का गुणा आपने क्यों नहीं किया, भाई 4 का भी तो कर सकते थे। नहीं साहब, इसमें लिखा हुआ है कि दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले से 2 गुना है, तो हमें इस पहले वाले पे कैलकुलेट करना होगा कितने मिनट में, 40 मिनट। 1 लीटर 40 मिनट में कितना टोटल क्षमता आ गई, 40 लीटर की। अब दोनों से खाली करवाना है, दोनों कौन कौन, ए और बी, ये 1 लीटर, ये 4 लीटर, टोटल कितना, 5 लीटर, कितने मिनट में कर देंगे, 8 मिनट में। दोस्तों मैं आपको अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कार्यधारिता पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, टैंक की जो क्षमता निकाली जाती है वो टैंक की क्षमता हम कैसे निकालते हैं, और उनसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वीडियो की शुरुआत में ही कि एक टंकी में जब 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, जब 2 या 4 या 5 से अधिक नल लगे हुए हों, तो उन क्वेश्चनों को हमें कैसे आसानी से सॉल्व करना है। दोस्तों ये वाली वीडियो और इससे अगले वाली वीडियो बिल्कुल भी देखना ना भूलें, ताकि आप पाइप और टंकी से जुड़े हर सवाल को, हर क्वेश्चन को प्रत्येक एग्जाम में सॉल्व कर सकें। दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।